आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका मत्था। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कहा, मॉनिटरिंग सेंटर से प्राथमिक स्कूलों में बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने जिला कारागार पहुंचकर उनके शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, पंडित राम प्रसाद जैसे वीर शहीदों की वजह से हमारा देश हुआ है आजाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के 955 करोड़ की विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, सस्ती लोकप्रियता और विभाजनकारी राजनीति ने प्रदेश को विकास से किया था वंचित। जनपद में हुए विकास पर कहा, लोग बोलते होंगे मुस्कुराइए, आप गोरखपुर में हैं। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी की भतीजी गीता लाहिड़ी तथा जिला कारागार के जेलर ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, देश की आजादी में पंडित बिस्मिल जैसे अमर शहीदों का रहा है योगदान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिवसीय 61वें प्रांत अधिवेशन का हुआ समापन। बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी ने युवाओं का किया आह्वान। कहा, शासन की योजनाओं को पहुंचाएं जनता तक, जिससे हो सके सबका समग्र विकास। हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी तथा अपना दहशत फैलाना, एक युवक को पड़ा भारी। चढ़ा गुलहरिया पुलिस के हत्थे, हुआ गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल, एक कारतूस हुआ बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्राई साइकिल का किया वितरण। दिव्यांगजनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बात कर बढ़ाया दिव्यांगजनों का हौसला। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर नगर विधायक ने उनके शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, पंडित राम प्रसाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान दिवस पर देश हित में कार्य करने का सभी लोग ले संकल्प। और रविवार को मनाया गया एसबीआई का बिजनेस वार्षिक समारोह। एसबीआई के डीजीएम ने कहा, समारोह में अपने बिजनेस और सुख दुख को शेयर करते हैं बैंक के पेंशनर्स।